गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू साथियों, आज हम फिर आपके बीच हाजिर हैं ट्रांसफार्मर के सेशन 3 को लेकर के, जिसमें हम ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके बीच लाए हैं। और आप सभी को मालूम है ये क्वेश्चन का सीरीज आपके लेवल को मजबूत करेगा और आपको एहसास दिलाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। साथियों, हम रेगुलर आपके बीच ऐसी सीरीज रखते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और आपका सीट पक्का हो। तो यह उद्देश्य है हमारा कि एएलपी, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसरो, डीआरडीओ, डीएमआरसी, एनएमआरसी, सेल भेल गेल, जितने भी आपकी पीएसयूज हैं उन सभी में आपका एक सीट पक्का हो, उसके लिए हम आपके लिए हैं साथियों। तो आइए हम बिना वक्त को गवाए सबसे पहले हम सीधे सवाल पर आते हैं। हमारा आज का पहला सवाल देखिए क्या है साथियों। हमारा पहला सवाल है, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा हुआ है, यानी जो निर्धारित वोल्टेज पर ट्रांसफार्मर को चलना है उस पर यह संचालित हो रहा है और उसमें हमिंग की आवाज हो रही है, भिन भिनाहट हो रही है, ठीक है, इसका क्या मुख्य कारण है? साथियों, आप कभी भी ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं, यह क्वेश्चन बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 2018 में पूछा गया था। आप ये यकीन मानिए, जब आप ट्रांसफार्मर के पास जाते हैं तो एक साउंड इस तरह की साउंड आपको सुनाई देती है। ये साउंड के पीछे क्या रीजन है साथियों? इसे मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन। ये मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या होती है? ये होती है कोर में, ट्रांसफार्मर के कोर में, मैकेनिकल, समझ गए साथियों, ट्रांसफार्मर के कोर में मैकेनिकल वाइब्रेशन, कोर में मैकेनिकल वाइब्रेशन होना, कोर में मैकेनिकल वाइब्रेशन होने की घटना को मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहते हैं। ये कब होती है? जैसे ही आप कोर को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, करंट सर्कुलेट करती है, ये मैग्नेटाइज हो जाती है। आपकी कोर क्या होती है? मैग्नेटाइज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही कोर आपकी मैग्नेटाइज होती है तो साथियों इसमें लीनियर क्या होता है? लीनियर एक्सपांशन होता है। क्या होता है? लीनियर एक्सपांशन होता है, यानी इसकी लेंथ में वेरिएशन होती है। और ये एक्सपांशन 10 पे पावर माइनस 5 से लेकर 10 पे पावर माइनस 15 mm में हुआ करती है, समझ गए? इतना में आपकी, इतना मीटर में हुआ करती है, बहुत कम एक्सपांशन होती है। तो मेन बात यहां पर है साथियों कि आपकी जो हमिंग की साउंड है, इसका रीजन होता है क्या? तो यह होता है आपके, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ लेमिनेशन पर। किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ लेमिनेशन आपका क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी अटैचमेंट कैसी है, आपने जो इसको अटैच किया है, अटैचमेंट अगर आपकी टाइट है, जो आपने फिटिंग किया है वो अगर टाइट है तब भी नहीं होगा, तब भी आपकी यह क्या होगी, प्रॉब्लम कम आएगी। प्लस आपके साइज ऑफ लेमिनेशन पर, प्लस गेज ऑफ लेमिनेशन, ठीक है। कौन सा चीज साथियों? गेज ऑफ लेमिनेशन। अल्टीमेटली आप यूं समझिए तो इस वाइब्रेशन का मुख्य उद्देश्य है साथियों कोर में कंपन। तो कोर में कंपन की वजह से यह प्रॉब्लम आती है। ओवरलोडिंग की वजह से तो स्वाभाविक है कि जितनी सुटेबल वोल्टेज आप प्रोड्यूस कर रहे थे उससे ज्यादा क्या हो रहा था, जितना आपको प्राप्त हो रहा था उससे ज्यादा आपकी डिमांड थी, तो इस लेकर के उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग की कंडीशन में भी ट्रांसफार्मर गर्म होता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं होता है। और जब एक्सेस ओवरलोडिंग होगी तो ग्लूकोज रिले ट्रिप करता है और ट्रांसफार्मर को सेफ रखता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने से ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगी, जल जाएगी। कोर की अनुचित स्टैम्पिंग, तो अनुचित स्टैकिंग के वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से आपकी फ्लक्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन जो मुख्य रीजन है हमिंग का, भिनभिनाहट का, वो है कोर का कंपन, इसको आप सदैव ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों आपके सामने ये तस्वीर दिख रही है, यह शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तस्वीर है। इसमें देखिए दो तरह की वाइंडिंग है, यहां पर आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये आपकी लो वोल्टेज वाइंडिंग है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है यहां पर, ज्यादा है, ठीक है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम है। इसमें आपकी क्या है साथियों, नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो सदैव ध्यान रखिए कि आपकी शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहां की जाती है, उस शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हाई वोल्टेज वाइंडिंग के तरफ हम वाटमीटर लगाते हैं, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, करंट मेजर करता है,
वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, वोल्टेज मेजर करता है। तो आपको सप्लाई के सेक्शन का वोल्टेज, करंट और पावर, ये तीनों आपको यहां से कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। और ये आपकी वेरिएबल एसी सप्लाई है, सिंगल फेज का हमारा ट्रांसफार्मर यहां पे लगा हुआ है, और ये ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसके माध्यम से हम वोल्टेज को वेरी करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है, सेल्फ इंडक्शन पे काम करता है। तो अल्टीमेटली साथियों, आपकी अमीटर से करंट के बारे में पता चला, वोल्टमीटर से वोल्टेज का पता चला, ठीक है। और यहां जो आपकी हाई वोल्टेज है, उधर सारे कंपोनेंट्स को हमने लगाया है, इंस्ट्रूमेंट को लगाया है, और आपकी जो आउटर सेक्शन है वहां पे लो वोल्टेज वाइंडिंग है, लो वोल्टेज को हमने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो लो को शॉर्ट करने से आपकी एक्सेसिव करंट वहां से पास करती है, थोड़ी बहुत जो भी लॉसेस इधर हो रही थी वो टोटल कंसिडर हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य बात यहां पर है कि आपका आई स्क्वायर आर लॉस, चाहे वो प्राइमरी के सेक्शन में हो, चाहे आपकी कहां पर हो, सेकेंडरी के सेक्शन में हो, प्राइमरी में आई वन स्क्वायर आर वन और सेकेंडरी में आई टू स्क्वायर आर टू कहें, तो ये दोनों का जो है टोटल सम आपको कैलकुलेट होता है। अल्टीमेटली साथियों, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ आपकी क्या होती है, आयरन लॉसेस यहां पे कंसीडर की जाती है। तो घुमा फिरा करके बात यही कहेंगे कि हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग के साइड किया जाता है, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट में शॉर्ट करते हैं लो वोल्टेज वाइंडिंग के टर्मिनल को, ठीक है। और इस टेस्ट के माध्यम से हमें कंप्लीट कॉपर लॉस की जानकारी मिलती है। तो आपका जवाब आपको मिल गया कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के माध्यम से कॉपर लॉस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस, ये दोनों आपके आयरन लॉस का हिस्सा होता है, और आयरन लॉस को हम ओपन सर्किट टेस्ट से प्राप्त करते हैं। कहां करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट के माध्यम से हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं साथियों, ठीक है। नो एनी कंफ्यूजन। और हमारे ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान 2 से 5% के बीच होता है। क्या होता है? 2 से 5% के बीच होता है। तो ये आपका था बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि आप सभी के लिए मैंने कहा कि एक सीट पक्का करें, तो एक सीट पक्का तभी होगा जब आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होगी। तो ऐसे ही बाइलिंगुअल 5000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह हम आपके बीच लाइव रखेंगे, और एवरीडे टेस्ट के माध्यम से साथियों, और वीडियो को अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। टेस्ट का नाम है ब्रह्मास्त्र, और साल भर की फीस है 499, जिसके माध्यम से हम आपको मोर एंड मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सभी एग्जामिनेशन के लिए करेंगे, चाहे वो एएलपी हो, डीआरडीओ हो, इसरो हो, भेल हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड हो, सारे एग्जाम्स के लिए आपको मदद करेगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी होने पर किसी ट्रांसफॉर्मर में कौन सी हानि सदैव एक समान बनी रहती है? अब आप यहां गंभीरता से समझिए, आपका वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्या है? अस्थिर है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहां गौर से समझिए साथियों, हमारी आयरन लॉस पीआई, इसके दो भाग होते हैं, हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, ठीक है। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आपका वी बाय एफ कांस्टेंट है, वी बाय एफ कांस्टेंट है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी क्या कांस्टेंट हो जाएगी, आपकी फ्लक्स भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, इसके समानुपाती ही होता है। अगर आपकी मैक्सिमम फ्लक्स कांस्टेंट हो गई, आपका बीएम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बी बराबर क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है, बी इक्वल टू फाइ बाय ए होता है, और यहीं से फाइ इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है। क्या होता है? फाइ इक्वल टू बी इंटू ए हो जाता है। अब यहां पर समझिए जरा विद्यार्थी जी, फाइ इक्वल टू बी इंटू ए हो गया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी हिस्टेरेसिस लॉस ये समानुपाती होती है बीएम टू द पावर एक्स और एफ के, और एडी करंट लॉस समानुपाती होती है बीएम स्क्वायर और एफ स्क्वायर के। अब आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि जब हमारी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली आपकी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और आपकी फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी, और पीएचपी दोनों कांस्टेंट होगा। जब ये दोनों कांस्टेंट हो गया तो क्लियर ये बात हो गई आपका आयरन लॉस कांस्टेंट होगा। यही मुख्य कारण है कि हमारी आयरन लॉस क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये कभी भी
नहीं बदलती है साथियों। तो याद रखिएगा, लोड के बदलने पर भी हमारे आयरन लॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जितना होना है उतनी ही होती है और यह सदैव कम ही होती है, यानी कि कोर लॉस, इसी को हम कहते हैं कोर लॉस, इसी को हम आयरन लॉस कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट लॉस भी कहते हैं साथियों। ये ट्रांसफॉर्मर के कोर में अकर होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हमारी मेटेरियल की है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होता है कोर। घर्षण हानियां ट्रांसफॉर्मर में बिल्कुल नहीं होती क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में सभी अस्थिर पार्ट होते हैं। वायु हानियां भी नहीं होती क्योंकि एयर गैप की कोई बात नहीं है। कॉपर हानि होती है, ये वाइंडिंग में होती है और ये कॉपर हानि आपके आई स्क्वायर के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में, यह भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में क्या होते हैं, एक चुंबकीय पथ, दो चुंबकीय पथ, तीन चुंबकीय पथ या कोई भी पथ नहीं। तो आप स्पष्ट यहां पर देख रहे हैं हमारे कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में जो कोर है वह कैसा है, लेमिनेटेड है, सबको आपको स्पष्ट पिक्चर में दिख रहा होगा, लेयर बाय लेयर है। इसमें हम थीन लेमिनेशन करते हैं, थीन लेमिनेशन हम करते हैं हर एक कोर के बीच में, क्या करते हैं, थीन लेमिनेशन। और ये थीन लेमिनेशन किस लिए करते हैं, एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, समझ गए कि नहीं, उसको घटाने के लिए। और विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा कि हमारी जो कोर है उसके ऊपर जो वाइंडिंग लपेटी गई है उसमें पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग तब हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो को पहले और हाई को बाद में रखने का मुख्य कारण है कि आपकी क्या कम हो जाती है, याद रखिए इंसुलेशन कॉस्ट क्या होती है, कम हो जाती है, इंसुलेशन कॉस्ट कम होती है। और दूसरा फायदा क्या है कि कमजोर अगर अंदर रहेगा और बाहर मजबूत रहेगा तो मजबूती जबरदस्त रहती है। तो एक तो आपकी कॉस्ट कम होती है, दूसरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, दूसरी क्या होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, मजबूती अधिक होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है। ये दो बातों को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक छोटी सी बात यहां आती है, हमारा कोर बना किस पदार्थ का होता है, तो आजकल हम CRGOS का प्रयोग करते हैं जिसका मान है, नाम है पूरा कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकन स्टील सीट। इसमें सिलिकन की मात्रा कम होती है, सिलिकन आपका 0.5 से लेके 5% के बीच ही होता है, जनरली हम लोग 4% सिलिकन मिलाते हैं, आपको मैंने बताया है सिलिकन भंगुर नेचर का होता है, ज्यादा मिला देंगे तो टूट जाएगा, मिलाते इसलिए हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध अधिक होता है, इससे करंट को रुकावट मिलती है, एडी करंट का यहाँ प्रवाह बहुत अधिक नहीं हो पाता है, इससे हमें बेनिफिट होती है, हमारी लॉस कम होती है। तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर, आप देख रहे हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में एक ही रास्ता है कोर को ऐसे जा रहा है, और कोर टाइप की संरचना कैसी होती है, सीरीज मैग्नेटिक फील्ड के समान होती है। कैसी हो गई साथियों, सीरीज मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप जानते हैं ना श्रेणी में धारा एक ही रास्ते से जाती है, ठीक उसी तरह से ये क्या है आपका, सीरीज मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर एक चुंबकीय पथ होता है, कितने, एक। दो चुंबकीय पथ कहां होते हैं, सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर में, दो कहां पर होते हैं, सेल टाइप में होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कोर टाइप में आपको क्या होते हैं, एक चुंबकीय पथ होता है, कोर टाइप सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की तरह व्यवहार करता है, सीरीज मैग्नेटिक सर्किट की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें थीन लेमिनेशन करते हैं, यह CRGOS का बना होता है, इसके ऊपर पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग लगाने का उद्देश्य होता है इंसुलेशन कॉस्ट कम करना और फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना। ठीक है साथियों, LP टेक्नीशियन और ड्राइवर के लिए हमारी जो नई क्लासेस हैं, यानी नई बैच है, वो 20 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, टाइम है 6 से 7 PM के बीच। इसके अंदर आपको हम 33-34 चैप्टर्स पढ़ाएंगे और इसके अलावा आपको रेगुलर मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी और उसके साथ साथ सैटरडे संडे में डाउट और डिस्कशन की क्लासेस होंगी, आपको प्रैक्टिकल से रूबरू कराने के लिए हम आपको विजिट भी करवाएंगे डिफरेंट प्लेसेस पर, खास करके ग्रीड में और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़े चीजों में, और इसके साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल तो देंगे ही देंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस क्लास के साथ ही आपको करवाते चले जाएंगे। निश्चित रूप से ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है और इस बैच में 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आपको जरा भी एहसास ना हो कि हम इस वजह से या एक नंबर से हमारा स्कोर नहीं हो पाया या हम मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए। ठीक है साथियों, चलिए हमारा पांचवा प्रश्न है, उस ट्रांसफॉर्मर को क्या कहा जाता है जिसमें कॉमन लेमिनेटेड कोर पर
एक से अधिक प्राइमरी और एक से अधिक सेकेंडरी हो। यानी देखिए ये आपका कॉमन लेमिनेटेड कोर है, यहां पर एक प्राइमरी, यहां पर दूसरी प्राइमरी, यहां पर तीसरी प्राइमरी, इधर पर एक सेकेंडरी, इधर दूसरी सेकेंडरी, इधर तीसरी सेकेंडरी। ऐसी जो संरचना है एक दो तीन, फिर इधर से एक वन डैश टू डैश थ्री डैश, ऐसी जो अरेंजमेंट होती है ना इसे मल्टी कोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं इसको? कोर तो एक ही है ना, वाइंडिंग बहुत सारी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। क्या कहते हैं साथियों? मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो ये भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्वेश्चन था। तो आप समझ रहे हैं ऐसे प्रश्न आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड पूछता है, यानी वो ट्रांसफार्मर जिसमें प्राइमरी साइड में ज्यादा वाइंडिंग्स हो, एक से ज्यादा, दो तीन चार, और सेकेंडरी में भी क्या हो, दो तीन चार वाइंडिंग्स हो। तो जब आपको दो तीन चार हो गया तो दो से अधिक हो गया तो स्वाभाविक है मल्टीपल हो गया, ऐसे ट्रांसफार्मर को क्या कहेंगे? मल्टीपल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। क्या कहेंगे? मल्टीपल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहेंगे। और इसमें मल्टीपल वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की। क्या होती है? मल्टीपल वाइंडिंग इसमें ट्रांसफार्मर की होती है। ठीक है, चलिए हम फिर अगले दिन आपके बीच हाजिर होंगे। एक हमारी बैच 20th ऑफ सितंबर से स्टार्ट हुई है, जो बैच आपकी ऑनलाइन में 999 फी है, और इस बैच में हम ALP, DRDO, टेक्नीशियन, इसरो, सेल, गेल, UPPCL, बिहार पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डिफेंस, NTPC सभी के क्लासेस आपमें कंसीडर होंगे। 36 चैप्टर्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, 8 महीने का ये कोर्स है। ठीक है साथियों, तो हम लोग फिर मिलते हैं ऑनलाइन के लिए। हम आपके साथ सदैव जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के लिए। आप हम ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपका स्वागत है। शाहगंज, पटना, मुसल्लापुर हाट, द प्लेटफॉर्म। ओके, थैंक यू।